हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी टार फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। किसी टार फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कमांड होता है टार, उसके बाद में हाइपन xvf ऑप्शन, और उसके बाद में उस टार फाइल का नेम आपको लिखना है जिस टार फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने xvf ऑप्शन यूज किया है, x फॉर एक्सट्रैक्ट, v फॉर वर्बोज, f फॉर फाइल नेम। v फॉर वर्बोज मीन्स ये आपको उस कमांड का एग्जीक्यूशन प्रोसेस टर्मिनल स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट होगा तो ये उस कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद में जो प्रोसेस रन होगा उस प्रोसेस को ये टर्मिनल स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। F फॉर फाइल नेम, ये टार कमांड को उस फाइल का नेम बताएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने स्लैश माई सॉल्यूशंस के अंदर एक डायरेक्टरी है वाई, और उसके अंदर मैंने एक टार फाइल क्रिएट कर रखी है। तो सबसे पहले उस डायरेक्टरी में मूव करते हैं। और उस डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टार फाइल क्रिएटेड है। अब मैं इस टार फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कमांड होगा टार हाइफन xvf स्पेस, उस टार फाइल का नेम आपको लिखना है जिस टार फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी एक ही टार फाइल है इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आप जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड इस टार फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे टार फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। ls-l कमांड एग्जीक्यूट करके देखिए, तो यहाँ पर ये टार फाइल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है, सॉरी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो ये जो आपने कमांड एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, ये कमांड क्या करेगा, आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी उस डायरेक्टरी में इस टार फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा। यदि आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी पे इस टार फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस कमांड के साथ में हाइफन सी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस टार फाइल को /etc/test नाम के डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कमांड होगा टार हाइफन xvf, उसके बाद में उस टार फाइल का नेम, और उसके बाद में हाइफन कैपिटल सी ऑप्शन, और उसके बाद में उस डायरेक्टरी का पाथ आपको मेंशन करना है जिस डायरेक्टरी में आप ये टार फाइल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे टार फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब उस डायरेक्टरी का कंटेंट चेक कर लीजिए। तो देखिए वो जो टार फाइल थी प्रिंट और टार, इस डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो आपके पास दोनों मेथड हैं, आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी में भी किसी टार फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में भी आप टार फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।